हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक एसपी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सेल के बारे में, बीएसएनएल के 4G स्पेक्ट्रम के बारे में, बीआरएस के बारे में और माई सैलरी के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी है जो वो लगभग 16-17 महीने से नहीं मिली है और कुछ को ज़्यादा भी हो गया, कुछ को कम भी है। केरला में 16-17 महीने हो चुके हैं, लेकिन औरंगाबाद में कुछ लोगों को दे दी गई है जो उसके रेगुलर एम्प्लॉयज थे। उन्होंने कुछ पैसा इकट्ठा करके, चंदा बोलते हैं उसे इकट्ठा करके, और कुछ जो उसके पर्सनल जो असिस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर वाले, वो उनके लिए कुछ पैसे के इंतजाम करके उन्हें दे दिया। कुछ पैसे मिल चुका है औरंगाबाद में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को, और कुछ बोल रहे हैं कि नहीं मिला है, मैंने न्यूज़ देखा है, तो जिनको नहीं मिला है वो भी मिल जाएगा। तो इसके लिए हम बात करते हैं। तो इसकी बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो आपको इसका कोई ऐसे नहीं मिलेगा, तो आपको कुछ इसका इंतजाम करना चाहिए, इसका कोई काम करना चाहिए। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, अपने जो ट्विटर अकाउंट है उससे आपको केवल 4 लोगों को टैग करके, 4 आईडियों को टैग करके उसमें आपको लिखना है जो आपको सूटेबल लगे कि हमें ये लिखना है। और मेरे लिए तो ये है कि जो मैं आपको बता देता हूँ, आप सीधा लिखें उसमें, हिंदी यूज करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश यूज करते हैं तो इंग्लिश, लेकिन लिखें साफ साफ जैसे कि लोग कमेंटों में लिखते हैं, वैसा कोई भी नहीं लिखेगा। जैसे कमेंट में आप लिखते हैं, आधा लिख देते हैं और बाकी छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, ऐसा कोई भी नहीं लिखना है। आपको जो लिखना है वो सही तरीके से लिखना है और डायरेक्टली ट्वीट करना है आपको। डायरेक्टली ट्वीट करने में आपका एक धरना जैसा हो जाएगा और इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। बहुत ही पक्का ये इंतजाम है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी दिलाने का। बाकी कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी जो इसका बीएसएनएल का टाइम है उससे पहले नहीं दिला सकता। बीएसएनएल को याद नहीं है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी रह चुकी है, क्योंकि इसके लिए बहुत काम है और इसे याद भी है, लेकिन अभी ये आपकी बातों में कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो आपको बस ट्वीट करना है और बस यही है, और इससे आपको 90% चांसेस हैं अगर आपका ये जो ट्वीट है वो ट्रेंडिंग कर जाता है, ट्रेंडिंग में पहुंच जाता है, तो लगभग 1000 लोग आपके रीट्वीट कर देते हैं ट्वीट को, तो पहुंच सकता है। अब मैं बात करूं बीआरएस की, तो बीआरएस की भी कोई बात नहीं आ रही है। बीआरएस के लिए आपको केवल थोड़ा वेट करना है, जैसे न्यूज आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। अब बात करें हम बीएसएनएल के 4G नेटवर्क के, 4G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो 4G स्पेक्ट्रम का जो 9000 करोड़ रुपए का जो पैकेज जारी हुआ था वो उसे मिल चुका है, और उस पर कुछ आरोपों के द्वारा, जैसे उसने कह दिया था कि 24 मई तक हम काम शुरू कर देंगे, लेकिन 24 मई तक काम शुरू हो जाता, लेकिन जो चाइना और इंडिया की जो सेना है, सेना दल है, वो आपस में एक दूसरे से लड़ने की कगार पर है। चाइना और इंडिया की जो फौज है, वो आर्मी है, वो बॉर्डर पर आमने सामने में है, मुकाबला होने का है। इसीलिए बीएसएनएल ने कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी, तो जो दल हैं अपनी भारतीय सेना और चाइनीज सेना के, चाइनीज सेना और भारतीय सेना एक दूसरे के मुख पर हैं, लड़ने के लिए मोर्चे पर हैं, और इसी बीच बीएसएनएल ने ZTE से कुछ समझौता कर लिया कि हम आपसे सामान खरीदेंगे। तो ये सामान खरीदने का काम जारी हो चुका था, सब आदेश दे दिए गए थे, लेकिन इसमें मोदी जी और कुछ लोगों ने इस पर आरोप उठाया कि यह गलत है, सरासर नाइंसाफी है कि हम लोग दुश्मन को पैसा कैसे दे सकते हैं, हमारी जो करेंसी है वो घटेगी और उसकी करेंसी बढ़ेगी, तो इसमें हमारा दल जो नीचा पड़ जाएगा और उसका दल ऊंचा हो जाएगा, जैसे उसके पास पैसा पहुंच जाएगा तो ऊंचा हो जाएगा, इसीलिए हमें इसमें कुछ करना चाहिए। तो उसने कहा किया कि हम इसके सामान नहीं खरीदेंगे, हम सामान इंडिया से ही देंगे, जिससे कि जो करेंसी होगी वो हमारी करेंसी हमारे देश में ही रहेगी। इसीलिए इसका 25 जून कर दिया गया है डेट, कि 25 जून को हम बताएंगे क्या होता है।
तो इसका जो नेटवर्क है वो जल्दी आ जाएगा और BSNL बहुत ही अच्छा चलेगा, BSNL के लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। मई सैलरी की बात करें तो मई सैलरी में आपको जो अप्रैल की सैलरी थी वो 15 मई तक मिली चुकी थी, और अब 15 जून तक और आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपका जो लेट पेमेंट, आपका बिल्कुल लेट नहीं हो रहा है, पेमेंट लेट हो रहा है केवल 15 दिन। 15 दिन में ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की बात करें तो वो तो बेचारे कुछ भी नहीं कर रहे, उनको बताते हैं फिर भी वो मानते नहीं। तो चलिए अब मेरी बात को मानिए, आप ज़रूर ये काम करिए, ट्वीट कीजिए, इसको ट्रेंड करिए और आप अपनी सैलरी ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और बेल आइकन को प्रेस करके जाइए, जो कि आपको नई वीडियो देखने को मिले सबसे पहले जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। और वीडियो को अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय।